दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे थे। नीतीश जी क्रेडिट ले रहा, जदयू वाला कहता था। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, सत्ता परिवर्तन तो हो गया लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में पेच फंस रहा है। इसको लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अभी तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आरजेडी के पास जितने भी विभाग थे उन सब विभागों का जांच होना चाहिए, तो इसको लेकर बिहार सरकार पर जबरदस्त हमलावर नजर आ रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए पहले आपको वो सुनिए। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, पूरा बिहार सफर कर रहा है, दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे हैं। 17 महीना के राजद कोटे की जांच कराएंगे, कराइए जांच। 17 महीना बनाओ, 17 साल करा लो भैया। 17 महीना में जो नौकरी मिला है सर्टिफिकेट वापस ले लीजिएगा। अब मिशन मोड में जो काम हुआ है स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्रों में सारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया तो पेट तो फटेगा। और नीतीश जी के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग डरा रहे हैं कि ताकि कोई मंत्री काम नहीं करे, और उनका जो इर्द गिर्द बैठता है उनका बाल बच्चा सब काम करे। कहते थे नीतीश जी क्रेडिट ले रहा, जदयू वाला कहता था। ये बताइए ये कौन सा क्रेडिट है भाई, चुप्पी का है, नहीं दिखाता समाचार सारांश इर्द गिर्द बैठे लोग, जिसमें कहीं भाजपा का हाथों नौकरी में नहीं है। एनडीए लिख रहा है, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का दे रहा है फोटो, कैसा लग रहा है। हम लोग तो आपको देते थे, आपका ही फोटो डालते थे सोशल मीडिया पर, तब कहते थे क्रेडिट लेता है। तो आप क्या जांच कराइए ना, बहुत परेशानी हो रहा है, भद पिट रहे, जनता मत एजेंडा चलाना चाहते हैं, नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता सोटा लेकर रह देगा, देखिएगा। आइए, एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमलावर होते हुए नजर आए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, और कहते हुए नजर आए कि 17 साल का देख लीजिए आंकड़ा और 17 महीने का देख लीजिए। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने कितनों को नौकरियां दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जांच करवाना है तो करवा लीजिए, यहाँ की जनता देख रही है कि क्या कुछ हुआ है महागठबंधन सरकार में, किन किन लोगों को नौकरियां दी गई है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल विभाग को लेकर भी जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे एनडीए सरकार पर, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।